मामा के घर जाने की बात कहकर दो दिन पहले घर से निकले युवक को चोटिल अवस्था में गलालगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अभी युवक के चोटिल होने के कारण संदिग्ध है और पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। वहीं परिवारजनों ने चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा भी किया। उधर परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की हत्या की गई है। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई और बताया जा रहा है कि ग्राम बर्दर थाना गुरबख्शगंज निवासी अंकित पांडे गांव निवासी मामा पुतन द्विवेदी के घर जाने के लिए शनिवार को निकला था, लेकिन सोमवार को वह पीर अलीपुर गांव के सामने गंभीर दशा में पड़ा मिला। 108 एम्बुलेंस उसे लेकर CHC लालगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन साथ में किसी के ना होने के कारण वह अस्पताल में ही पड़ा रहा, जहां 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। अब मृतक के भाई मनोज कुमार ने अज्ञात लोगों पर अंकित की पिटाई कर उसके पास से रुपए छीनने का आरोप लगाया है। मृतक एक पुत्र सवास्त्रिक का पिता था। उसकी मौत पर माता सरोजनी आदि का रो रो कर बुरा हाल है। अंकित की मौत की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय प्रभावी निरीक्षण IPS पलाश बंसल निरीक्षण राजकुमार पांडे मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भिजवाया। मृतक के परिजनों द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाने पर एडिशनल SP ने मामले की जांच करने की बात कही है और उनका कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम उपेंद्र मिश्रा। क्या घटना हुई भैया? ये घटना ये वहाँ जनता बाजार के पास है, ये हमको लगता है जो है ये वहाँ पे वहाँ पड़ा मिला है। ये कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? एम्बुलेंस से आया है रुक जाओ। हमको इसके इसके मामी ने सूचना दिया है तो हम यहाँ आए हैं। जब हम यहाँ आए हैं तो ये दर्द से तड़प रहा था। हम कुमार विमल डॉक्टर के पास हम गए, जिस जो है 2 बार गए कि इसको पेन किलर दे दीजिए। ये एक बार भी नहीं हिला, उससे कुर्सी से उठा, बोला सब कुछ हमने कर दिया। आप ये भैया ये बताइए कि क्या इसको मारा पीटा गया? इसको मारा पीटा गया हमको लग रहा है, क्योंकि अंदरूनी चोट थी इसके पेट में। पेट में दर्द बहुत भयंकर हो रही थी इसके। क्या लगता है आपको इसकी हत्या की गई? ये हमको लगता है कि इसकी हत्या की गई है, क्योंकि इसके और पैर में जो पेट में बहुत चोट थी इसके। पैर भी टूटा था। सबसे घोर लापरवाही से डॉक्टर की थी, कुमार विमल की। पूरा मामला सर, सुबह 10 बजे लालगंज थाने को सूचना मिली थी, एक व्यक्ति जो है चोटिल अवस्था में 108 के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बाद जो है इसके इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई 2 बजे और उसके पंचायतनामा भर के उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम से जो कुछ परिणाम निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजन सर हत्या का आरोप लगा रहे, वो सब कुछ जाँच में शामिल हो जाएगा। डॉक्टर क्या परिचय है? मैं डॉक्टर राजीव गौतम, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज। अच्छा, क्या है पूरा मामला सर? ये अंकित पांडे नाम का एक नवयुवक है, वही लालगंज क्षेत्र का है। तो संज्ञान में ये आया है कि ये कहीं पे निकला था अपने मोटरसाइकिल से, कुछ लोगों से इसका जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट के बाद जो है वो लोग इसके साथ मारपीट करके और इसको वहीं पे छोड़ के चले गए। और फिर पुलिस को किसी ने जो है सूचना दी, 112 पे किसी ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है रोड पे। पुलिस वहाँ पे गई, पुलिस वहाँ से उसको लेके 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसको सामुदायिक स्वास्थ्य के लालगंज यहाँ लेके आई है। फिर उसके बाद इसका इलाज शुरू हुआ। उस समय इसके परिजन भी नहीं थे। इलाज जो है डॉक्टरों की टीम ने जो है इसका इलाज शुरू किया, लेकिन फिर इलाज के दौरान आज सुबह इसकी जो है मृत्यु हो गई है। कब लाया गया था सर? इसको रात में लाया गया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.